अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, आपके बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ क्लास फिफ्थ एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट आपको दिखा देते हैं, तो आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पहले सिलेबस बता रखा है PA2 का, तो वहाँ पर आप देख लिए हमारे कितने चैप्टर इसमें हो गए थे, 4 हो गए थे। लास्ट हमारा बाकी रह गया था चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है। और आ कितने रहे हैं आपके PA2 में, टोटल आ रहे हैं आपके चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं। कौन कौन से, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। ये आपके 5 चैप्टर आपके PA2 के टेस्ट में आएंगे, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 ये कम्प्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 13 आज पढ़ने जा रहे हैं हम, पार्ट नंबर 13 में, पेज नंबर 73 पर है। ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो पेज नंबर 73 ओपन कर लिए। पेज नंबर 73 बच्चों यहाँ पर देखिए, लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर, पार्ट कौन सा है हमारा, ये हमारा ये है पार्ट 13। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने चैप्टर के टॉप पर, पार्ट 13 लिखेंगे यहाँ पर। तो आप सभी लोग यहाँ पर पार्ट 13 मेंशन कर दिए, यहाँ पर पार्ट 13 लिख दिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट 13 लिख दिए। और एक चीज़ जो आपको डेट खुद लिखनी होती है, वो किस दिन की डेट लिखनी है आपको यहाँ पर, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन जो तारीख होगी उस दिन पर यहाँ पर उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीड करना। लिविंग लॉन्गर हेल्दियर, लिविंग लॉन्गर और हेल्दी एंड हेल्दियर, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा जीना, लंबा समय तक जीना, लॉन्गर जीना और हेल्दियर जीना और हेल्दी जीना। तो ये कैसे हो सकता है, तो इनका मतलब ये है कहना, अगर इंसान कोई हेल्दी रहेगा तो सेहतमंद रहेगा तो वो जल्दी उसकी बॉडी ख़राब नहीं होगी या उसकी बॉडी ज़्यादातर बीमारियों से लड़ पाएगी और वो ज़्यादा जी पाएगा। पहले ज़माने में ये कहा जाता है कि पहले ज़माने में लोग 100-100 साल के हो जाते थे, 100-100 साल, 150-150 साल के होके फिर ख़त्म होते थे, तब वो मरते थे। और आजकल के लोग 60 साल की उम्र अप्रॉक्स हो गई है, 60 साल तक की उम्र में ज़्यादातर लोग बाग मर जाते हैं। तो इसे ये कहा जाता है कि लोगों की हेल्थ की वजह से लोग बाग जल्दी मरने लगते हैं, उनकी हेल्थ की ख़राबी की वजह से, वो हेल्दी नहीं होते हैं वो लोग, ठीक है, वो हेल्दी नहीं होते हैं जिस वजह से वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वी शुड ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड टू स्टे हेल्दी, ये कह रहे हैं हमें जो है हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। क्या, हमें हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों, सारे मौजूद हों, और जो हेल्दी फूड हो जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, किस लिए कि हम स्टे हेल्दी, टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड और न्यूट्रिशियस फूड खाने चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाएँ। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डू डेली एक्सरसाइज, और ये कह रहे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें रोज़ रोज़ डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। दीज हैबिट्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्राम डिजीज़, और ये हैबिट, ये आदत जो हम बता रहे हैं अभी कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर हम ये आदत डाल लें अपनी, ये आदत बना लें अपनी, तो इससे क्या होगा, हम जो है किसी भी बीमारी से बच पाएंगे। ये कह रहे हैं दीज हैबिट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, किसी भी बीमारी से ये हमें, ये आदत अगर हम बना लें तो ये हमें किसी भी तरीके से, किसी भी बीमारी से हमें बचा सकती है। कैसे, जैसे कि अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज, जिम जाते हैं लोग बाग, तो जिम के लिए होता है बच्चों, वो तो जो बड़े लोग होते हैं वो जाते हैं, ठीक है, कुछ एज के बाद, मगर हर किसी के लिए ये है कि वो योगा करें। योगा करने से क्या होता है, बॉडी फिट रहती है, ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन सही रहता है, जिससे हमारी इंटेस्टाइन सही रहता है तो खाना भी हजम होता है सही से, हमारे बॉडी में लगता है, देखने में भी हम लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है, हमें जो है एनर्जेटिक फील होता है अगर हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, पूरा दिन हमारा ऐसा लगता है हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, क्यों, हमारे अंदर कैसे लगता है, एक्टिव रहते हैं हम लोग पूरे दिन, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, सुबह सुबह अगर हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बस एक वॉक लगा लेते हैं, खाली वार्म अप कर लेते हैं, तो उससे भी हमें पूरे दिन एक्टिव ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन हैव लेड टू लॉन्गर लाइफ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ये कह रहे हैं जैसा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, उसके एडवांसमेंट की वजह से इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब जो साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, मेडिसिन यानी दवाओं के फील्ड में टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो दवाओं के फील्ड में जो उसका एडवांसमेंट हुआ है, जो दवाओं के मुताबिक, दवाओं से रिलेटेड अगर हम देखे जाएँ तो दवाओं से रिलेटेड जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है उसकी साइंस में और टेक्नोलॉजी में, मतलब मेडिसिन तैयार करने की अलग टेक्नोलॉजी है, उसकी अलग साइंस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ है,
एडवांसमेंट हुआ है, उस एडवांसमेंट से क्या फ़ायदा हुआ है, हैव लेड टू लॉन्गर लाइफ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। लोग जो है पहले से लंबे समय तक जी पाते हैं और जो है बीमारियों से बच पाते हैं। अगर हमारे पास दवाएं नहीं होती, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट तरह के हमारे जो है मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं होते, या बहुत सारे ऐसे हमारे डिजीज़ होती हैं जिसके ट्रीटमेंट पहले नहीं होते थे, अब उनका इलाज हो जाता है, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से, इम्प्रूवमेंट की वजह से। अगर हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ती, उसमें तरक्की नहीं होती, तो जैसे कि पहले चिकन पॉक्स होता था, लोग बाग जो है उसका इलाज नहीं होता था, ठीक है, ऐसे बहुत सारी दवाएं होती थी, बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती थी जिसके इलाज नहीं थे, ठीक है। बाद में हल्के हल्के लोग बाग की तरक्की होती गई, वो पढ़ते गए, उसके बारे में रिसर्च करते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ा दी, ठीक है, साइंस में एडवांसमेंट होती गई, पढ़ाई करी उन लोगों ने, डॉक्टर बने बड़े बड़े, और उसके बारे में फिर इन्वेंशंस हुई, अलग अलग डिजीज़ के मुताबिक मेडिसिन बनाई गई, और इससे बहुत सारी डिजीज़ से बचा जा सकता है आजकल। However, medical cure is still not available for several diseases like AIDS. ये कह रहे हैं यहाँ तक कि अभी भी medical cure जो है कुछ जगहों पर कुछ बीमारियों के लिए available नहीं है, जैसे कि AIDS, ठीक है। AIDS एक बीमारी होती है बच्चों, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं पाया गया है। ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज पाया नहीं गया है, ठीक है। ये अभी तक इसकी खोज में लगे हुए हैं साइंटिस्ट, डॉक्टर जो भी हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, मगर इसका अभी तक कोई इलाज नहीं पाया गया है। अगर जिसे एड्स हो जाता है वो उसे ठीक नहीं करा जा सकता। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा थर्मामीटर, तो थर्मामीटर तो आपने देखा होगा। इन ओल्डन डेज द बॉडी टेम्परेचर वॉज जज बाई टचिंग द बॉडी और बाई फीलिंग द पल्स, विच ऑफन डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द पेशेंट करेक्टली। ये कह रहे हैं बच्चों, पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, क्या ओल्डन डेज की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें, तो जो टेम्परेचर होता था बॉडी का, वो कैसे जज किया जाता था, कैसे चेक किया जाता था? बॉडी को छू कर या बॉडी उसे फील कर कर कि पल्स कितनी चल रही है, ठीक है। पल्स यानी हमारे जो कलाई की नस होती है, उसे छू कर चेक करते थे पल्स कैसे चल रही है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, बॉडी को छू कर देखते थे कि कहीं बुखार तो नहीं है, कहीं ज़्यादा बुखार तो नहीं है, तो बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए या पल्स के ज़रिए चेक करते थे, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑफन डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द पेशेंट करेक्टली, मगर यहाँ तक कि ये भी जो है ज़्यादा मददगार नहीं होता था पेशेंट को करेक्टली ट्रीट करने के लिए, सही से हम उसे जज नहीं कर सकते। कुछ जज करने के लिए जज कर सकते हैं, मगर सही से हम नहीं बता सकते कितना डिग्री टेम्परेचर है, क्या है। अब क्या है हमारे पास, थर्मामीटर है, ठीक है। ये लिखा है, टुडे वी हैव द थर्मामीटर टू गेट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज क्या है बच्चों, हमारे पास थर्मामीटर है, किस लिए? टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग, हमें बिल्कुल की बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मिल जाए, इसके लिए हमारे पास क्या है, थर्मामीटर है। पहले क्या होता था, बस बॉडी छू कर देखते थे, कहते थे हाँ बुखार है, ये नहीं पता चलता था कितना बुखार है, बस ये पता चलता था बुखार है, तो पहले एक्यूरेट नहीं पता चलता था। अब बिल्कुल क्या होता है, अब बिल्कुल हमें एक्यूरेट पता चलता है कि हमारा इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री टेम्परेचर है, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या फ़ारेनहाइट जिसमें भी होता है, ठीक है, अलग अलग हिसाब से देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट के जैसे हिसाब से देखते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो आपने थर्मामीटर तो कम से कम देखा होगा, कभी आप डॉक्टर की दुकान पर गए होंगे तो उसने हाथ से चेक किया होगा, वरना थर्मामीटर आपके मुँह में लगाया होगा या बगल में लगा देते हैं, ठीक है, हाथ के बाजू के नीचे लगा देते हैं, उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर उस पर आ जाता है, फिर पता चल जाता है हमें कि कितना डिग्री हमारा बुखार है, कितना हमें बुखार चढ़ा हुआ है, कितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ है। तो उससे क्या होता है, हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, पहले हाथ से छू छू के देख रहे थे, इतना नहीं पता रहता था कितना बुखार है, ये पता रहता था बस कि हाँ बुखार है। द क्लिनिकल थर्मामीटर वॉज इन्वेंटेड बाई जैब्रेल डैनियल फ़ारेनहाइट। ये जैब्रेल डैनियल फ़ारेनहाइट हैं, इन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर इन्वेंट किया था, मतलब ईजाद किया था, इन्होंने ही बनाया था क्लिनिकल थर्मामीटर। जर्मन फिजिस्ट, ये एक जर्मन के फिजिस्ट थे, फिजिसिस्ट कहते हैं, जिन्होंने जो फिजिक्स पे रिसर्च करते हों, जो फिजिक्स के मास्टर हों, ठीक है, जो फिजिक्स में नॉलेज हो जिन्हें, इन 1750 यानी 1715 में इन्होंने क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया था। कहाँ के थे ये? जर्मन थे, और इनका नाम क्या था, जैब्रेल डैनियल फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट से ही फ़ारेनहाइट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल ऐसे नापा बनाया गया है, वो सब आप चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। ऑन दिस थर्मामीटर आर स्केल इज़ मार्क इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए आ गया फ़ारेनहाइट, तो वही कह रहे हैं इस थर्मामीटर पे जो स्केल नापा जाता है, मतलब जो वैल्यू होती है कि किस हिसाब से बुखार है, 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, तो इस तरह से नहीं, क्या
जैसे कि बच्चों हमें पता है कि हमारा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हमने मार्क कर रखा है, इसी हिसाब से फ़ारेनहाइट जो है इस पे मार्क कर दिया गया है। फ़ारेनहाइट जो डिग्रीज़ है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मार्क कर दी गई है। जो स्केल बनाया गया है नापने के लिए, जैसे कि हमने कहा कि 1 किलो वज़न है, 2 किलो वज़न है, इस तरह से हमने वज़न बना रखा है, इसी तरह से हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट जो है एक स्केल बना रखा है कि हमें इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तुम्हें इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, ठीक है। इट रेंजेस बिटवीन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसकी रेंज होती है 95 से 110। कितनी फ़ारेनहाइट, ये जो हमारा थर्मामीटर होता है इसकी रेंज होती है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इसके बीच का टेम्परेचर आपको दिखाएगा। अगर 95 से कम है तो नहीं दिखाएगा, 95 से ऊपर और 110 से नीचे, मतलब 95 को इंक्लूड करके और 110 को इंक्लूड करके ये पूरा टेम्परेचर इतना दिखाता है। टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी द थर्मोमीटर इज प्लेस इन द माउथ और आर्मपिट ऑफ द पेशेंट। अब ये कह रहे हैं अगर हमें मेज़र करना है टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, किसी इंसान के बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है, पता करना है कि कितना है टेम्परेचर, द थर्मोमीटर इज प्लेस इन द माउथ। थर्मोमीटर कहाँ पर रख दिया जाता है बच्चों? माउथ में, यानी मुँह में रख दिया जाता है। और आर्मपिट, या मैंने बताया आर्मपिट जैसे हमारे बगल में हाथों के बीच में और कंधे के नीचे दबा देते हैं और वहाँ पर रख देते हैं थोड़ी देर तक, ऑफ द पेशेंट यानी मरीज़ जो होता है उसके, या तो फिर मुंह पे रख के चेक कर जाता है, मुंह के अंदर रख के जबान के नीचे, या तो फिर आर्मपिट। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 98.40 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहे हैं बच्चों जो बॉडी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.40 फ़ारेनहाइट, अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देंगे तो वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है अगर हम फ़ारेनहाइट को 98.40 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करते हैं तो इसीलिए कम से कम 95 होता है और एक ज़्यादा से ज़्यादा 110 डिग्री होता है, क्योंकि अगर इंसान का बॉडी टेम्परेचर कम भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 95 पहुँचेगा, 98.4 से 95 ही पहुँचेगा, 92, 89 इतना थोड़ी ना हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा तो 110 तक पहुँचेगा बस, इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है। स्टेटोस्कोप क्या होता है आपने ये देखा होगा, जिसे हम आला भी कहते हैं। अ स्टेटोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज द साउंड मेड बाय द हार्ट एंड लंग्स। ये कह रहे हैं स्टेटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों जो कि मैग्नीफाई कर देता है साउंड्स को बढ़ा देता है, आवाज़ को बढ़ा देता है, जो कि हार्ट और लंग्स के ज़रिए पैदा होती है, बनती है। आपने कभी देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, अपने कान में ये दोनों बड्स लगा लेते हैं, इसके स्टेटोस्कोप्स के दोनों ये बड्स अपने कान में लगा लेते हैं, और उसके बाद ये जो है आपका स्टेटोस्कोप का जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपके चेस्ट पे, सीने पर या आपके पीठ पर रख के देखते हैं, तो चेस्ट पर रख के देखते हैं तो उससे आपकी हार्ट बीट सुनाई देती है, क्या आपके दिल की धड़कन जो है, वैसे हम अपने हाथ सीने पर अपने चेस्ट पर हाथ रखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, हार्ट बीट चल रही है उसकी, ठीक है, वो उसकी धड़कन चल रही है। मगर इसमें क्या होता है बच्चों, हम जो है अगर ये अपने कान पे लगाते हैं और ये हार्ट पर रखते हैं तो उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई देती है और हमें कानों में महसूस होती है, तो इसीलिए डॉक्टर महसूस करते हैं कि हमारी हार्ट बीट सही चल रही है कि नहीं चल रही है, हमारा पल्स रेट क्या है, ठीक है। कुछ टाइम होता है कितने टाइम में इतनी बार हमारा हार्ट बीट करना चाहिए, इतनी बार हमारा दिल धड़कना चाहिए, तो इस हिसाब से वो चेक करते हैं, और या तो फिर लंग्स की आवाज़ साउंड होती है वो भी चेक करते हैं। लंग्स की साउंड कैसे बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी सर्दी का मौसम होता है तो उसमें नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उनके पीठ पर रखा जाता है, छोटे बड़े जो भी हों तो उनके पीठ पर रख के कभी कभी चेक किया जाता है। पीठ पर इसलिए चेक किया जाता है, कहते हैं पसली चल रही है, कहते हैं ना कभी कभी डॉक्टर की इसकी पसली चल रही है, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे की पसली चल रही है, तो वो सांस लेने में ऐसा लगता है कुछ साउंड सी पैदा हो रही होती है, क्या हो रही होती है, साउंड से पैदा हो रही है, तो वो साउंड जो है पीठ पर रख के जब इसे सुनते हैं तो आराम से साफ सुनाई देती है, तो उससे पता चलता है कि इन्हें नज़ला है, ज़ुकाम है, क्या है, क्या परेशानी है, तो उससे फिर वो उसके हिसाब से दवा देते हैं। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू फाइंड आउट इफ़ द हार्ट एंड लंग्स ऑफ द पेशेंट आर फंक्शनिंग नॉर्मली। और ये क्या कह रहे हैं, इससे जो है डॉक्टर को क्या मदद मिलती है कि वो पता कर पाते हैं कि हार्ट यानी दिल या लंग्स जो है हमारे पेशेंट्स के, वो जो है सही से नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहे हैं, नॉर्मली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता चल जाता है। इससे क्या मदद मिलती है कि डॉक्टर को पता चल जाता है कि जो पेशेंट है, जो मरीज़ है बच्चों, उसका दिल या उसके जो फेफड़े हम जिसे लंग्स कहते हैं वो सही से काम कर रहे हैं, नॉर्मली काम कर रहे हैं या नहीं,
कोई इसमें परेशानी तो नहीं है, इस तरह से वो चेक करते हैं। द स्टेटोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर रीने लेनिक। क्या ये किसने डिस्कवर्ड किया था बच्चों, किसने बनाया था स्टेटोस्कोप? स्टेटोस्कोप बनाया था डॉक्टर रीने लेनिक, ठीक है, डॉक्टर रीने लेनिक इन 1816 में बनाया था डॉक्टर रीने लेनिक ने। क्या बनाया था? स्टेटोस्कोप, इसे हम कहते हैं स्टेटोस्कोप। क्या? स्टेटोस्कोप। वंस डॉक्टर रीने सॉ टू चिल्ड्रेन सिटिंग एट द एंड्स ऑफ अ लॉन्ग होलो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। क्या हुआ, एक बार डॉक्टर रीने ने देखा कि दो बच्चे जो है दो कोने पर बैठे हैं, किसके? लॉन्ग होलो लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का, जैसे हमारा बांस का होता है ना, बांस का उसमें बीच में होल होता है खूब लंबा सा, पूरा बांस अंदर से खोखला होता है, इसी तरह से लकड़ी का एक लॉग था पूरा, ठीक है, बैम्बू टाइप का था लकड़ी का, उसमें जो है बड़ा सा होल था, लॉन्ग होलो था, अंदर से खोखला था। दोनों बच्चे उसके दोनों कोने पर बैठे हुए थे। क्या? डॉक्टर रीने सॉ टू चिल्ड्रेन सिटिंग एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग होलो लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के लॉन्ग होलो वाले हिस्से में, दोनों हिस्से पर दो बच्चे बैठे हुए थे। वन वॉज विस्परिंग थ्रू इट एंड अदर वॉज लिसनिंग। क्या हो रहा था? एक बच्चा उसमें फुसफुसा रहा था। विस्परिंग कहते हैं हल्के हल्के बोलना, सांस लेकर बोलना, जैसे हम हल्के हल्के बोलते हैं हमारी आवाज़ नहीं आती, कानों में फुसफुसाते हैं, तो इस तरह से एक बच्चा एक कोने पर कुछ फुसफुसा रहा था एंड द अदर वॉज लिसनिंग, और दूसरा दूसरे कोने पर कान लगा के सुन रहा था। क्या हो रहा था? एक बच्चा एक साइड से उस बांस के अंदर से बोल रहा था और दूसरा बच्चा हल्के हल्के आवाज़ को सुन रहा था। दिस गेव हिम एन, फिर नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 74, दिस गेव हिम एन, पेज नंबर 74 है, पेज नंबर 73 है, अब पेज नंबर 74 ओपन कर लिए। चलिए पेज नंबर 74 यहाँ पर देखिए, दिस गिव एन आइडिया, उससे उन्हें क्या मिला? एक आइडिया मिल गया किस चीज़ का? स्टेटोस्कोप बनाने का। एंड ही रोल्ड अ न्यूज़पेपर, और उन्होंने क्या किया बच्चों, उन बच्चों को खेलते हुए देखकर जब उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा न्यूज़पेपर बनाया लाइक अ लॉन्ग ट्यूब, जैसे हमारे पाइप होते हैं, जिससे हम पानी वाले पाइप होते हैं जो टंकी में लगाकर हम इधर उधर चला पानी डालते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने न्यूज़पेपर को लिया और लॉन्ग ट्यूब का शेप बना दिया। क्या कर दिया? लंबा सा ट्यूब का शेप बना दिया उसे रोल करके। एंड पुट इट ऑन हिज पेशेंट चेस्ट, और उन्होंने अपने पेशेंट के, अपने मरीज के चेस्ट पर रख दिया। टू हिज सरप्राइज द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट कुड बी हर्ड क्लियरली। फिर क्या हो रहा था? जब उन्होंने देखा तो जब इस तरीके उन्होंने पेशेंट के, मतलब जैसे कि एक लंबा सा पाइप टाइप का बना दिया पेपर का, न्यूज़पेपर का, एक कोना उन्होंने पेशेंट के हेड पर रख दिया यानी सीने पर रख दिया और एक कोना अपने कानों से लगा लिया, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या पाया कि जो हार्ट बीट थी पेशेंट की वो आराम से क्लियरली साफ साफ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि असलियत में दिल की आवाज़ उनके कानों पर ही आ रही हो, तो इस तरीके से उन्हें साफ साफ आवाज़ सुनाई देने लगी। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टेटोस्कोप, और ये ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने किया इससे उन्हें जो है स्टेटोस्कोप का इन्वेंशन करने की अकल मिल गई कि इस तरीके से हम स्टेटोस्कोप बना सकते हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए। नाउ इट इज़ यूज्ड बाय एवरी डॉक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और हम सभी को पता है पूरे दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं वो जो है क्या कर रहे हैं आजकल, इसी स्टेटोस्कोप को यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में जितने भी डॉक्टर मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोप। अब क्या है हमारा ये माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट क्या है हमारा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which magnifies small object and make it possible for doctor and scientist to see the minute germs। जैसे कि हमें पता है बच्चों कि आजकल हमें पता है कि जर्म्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, मगर हमने देखे हैं नहीं देखे, किसने देखे हैं? जो डॉक्टर हैं उन्होंने देखे हैं और हमने भी देखे हैं। अगर आप लैब में जाएंगे 11th 12th में 9th 10th में तो आपको ये सब देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोप्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो बैक्टीरिया तो नहीं मगर बहुत सारे ऐसे माइक्रो पार्ट्स होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों? माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कह सकते हैं, एक औजार कह सकते हैं हम, या एक छोटी सी मशीन कह सकते हैं हम, जो कि क्या करती है, विच मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को बच्चों, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें मैग्नीफाइज कर देती है, बड़ा कर देती है, एंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर डॉक्टर एंड साइंटिस्ट टू सी द माइन्यूट जम्स, और ये डॉक्टर और साइंटिस्ट के लिए
पॉसिबल बना पाती है, पॉसिबल कर पाती है कि वो जो है माइन्यूट जम्प्स को, वो छोटे छोटे जम्प्स को दैट आर नॉट नॉर्मली विजिबल टू आवर नेकेड आइज, नेक्ड आइज जो कि हमारे नॉर्मली नेक्ड आइज से अगर हम बिना किसी की मदद से अगर हम नॉर्मली आँखों से देखें तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाएंगे। वो इतने छोटे छोटे इतने माइन्यूट जम्प्स हैं कि हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इस वजह से माइक्रोस्कोप की मदद से क्या होता है कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैग्नीफाइज कर देता है उन्हें, माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखाता है, और डॉक्टर और जो साइंटिस्ट होते हैं वो उन माइन्यूट जम्प्स को, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें देख पाते हैं। ये कहा जाता है हमारे मुंह के अंदर, हमारे हाथों के ऊपर, हर जगह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ठीक है, हर जगह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं और हमें ऐसे तो दिखते नहीं हैं। अगर हम शीशे में देखें और मुंह खोल के रखें तो हमें कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, मगर अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जो इधर उधर मौजूद हैं वो सब नज़र आने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है इसका, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा करके दिखाता है, जिसे हम कहते हैं ना जूम करके दिखाना, तो ये जूम करके दिखाता है। अब सोचिए कितना जूम करता होगा, कितना मैग्नीफाई करता होगा। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑल्सो हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये कह रहे हैं जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का, ये कह रहे हैं उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसकी भी एक मज़ेदार कहानी है कि कैसे वो इन्वेंट हुआ था। नियरली 400 ईयर्स अगो, ये कह रहे हैं तकरीबन 400 साल पहले, क्या 400 साल पहले, एन ऑप्टिशियन इन होलैंड, एक ऑप्टिशियन थे बच्चों होलैंड जो जगह है जिसे हम अब नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, हैपन टू कीप टू डिफरेंट ग्लासेस वन बिहाइंड द अदर वाइल टॉकिंग टू हिज कस्टमर। क्या हो रहा था, क्या हुआ कि एक बार उन्होंने दो जो है डिफरेंट ग्लासेस, दो अलग अलग ग्लास पकड़ रखे थे हाथ में, ठीक है, बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे करके रख रखे थे उन्होंने अपने ग्लास पकड़ रखे थे, वाइल टॉकिंग टू हिज कस्टमर, जब वो अपने कस्टमर से बात कर रहे थे तब, कब, जब वो अपने इस कस्टमर से बात कर रहे थे तब उन्होंने दोनों गिलास अपने हाथों में एक दूसरे के आमने सामने पकड़ रखे थे, हाथ में ले रखे थे। सडनली ही सॉ थ्रू दीज ग्लासेस अ फ्लाई एज बिग एज अ लैम्ब। फिर क्या हुआ बच्चों, अचानक से जब उन्होंने उस गिलास के ज़रिए गिलास के आर पार देखा तो एक छोटी सी मक्खी जो है एक लैम्ब के बराबर दिख रही थी। ठीक है, बड़ी सी मक्खी लग रही थी उसमें देखने में, मतलब एक छोटी सी मक्खी, छोटी सी फ्लाई, एक उड़ने वाला एक छोटा सा कीड़ा एक बड़ी सी लैम्ब के बराबर दिखने लगा। He could not believe what he had seen. तो वो उन्हें पहले भरोसा नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। Then he prepared a toy called a flea glass. फिर उन्होंने क्या किया, एक खिलौना बनाया जिसे नाम क्या दिया गया, फ्ली ग्लास नाम दिया गया। गैलीलियो अ फेमस इटालियन साइंटिस्ट, जो गैलीलियो एक फेमस इटालियन साइंटिस्ट हैं, when heard about the flea glass also made a flea glass but name it microscope. क्या हुआ, जो गैलीलियो हैं एक फेमस इटालियन साइंटिस्ट हैं, जो इटली के एक साइंटिस्ट हैं, मशहूर साइंटिस्ट रह चुके हैं, इन्होंने जब इस गिलास के बारे में सुना, इस खिलौने के बारे में सुना, फ्ली गिलास के बारे में, तो इन्होंने एक और फ्ली गिलास बनाया मगर इसका नाम दिया माइक्रोस्कोप। इस तरीके का खिलौना बनाया और इसका नाम क्या दिया, माइक्रोस्कोप। Thus the credit for the invention of the microscope goes to Galileo. और जो सारा जो क्रेडिट, जो के नाम जो मिला वो किसे मिल गया, गैलीलियो को मिल गया माइक्रोस्कोप बनाने का। अगर इन्होंने पहले ही फ्ली ग्लास इन्होंने बनाया था ये जो होलैंड के साइंटिस्ट थे, मतलब 400 साल पहले जो होलैंड में ये थे, तो ये अपनी दुकान पे जहाँ पर भी बैठे थे, अगर ये गिलास को यूज़ करके, ये गिलास को टॉय का नाम दे के ये माइक्रोस्कोप कह देते तो इनका नाम होता। मगर बाद में क्या हुआ, गैलीलियो ने सेम फ्ली गिलास बनाया उसी तरीके का और उसे नाम दे दिया माइक्रोस्कोप, और सारा जो ने सारे जो नाम इज्जत जो मिली वो गैलीलियो को मिल गई, नाम हुआ कि गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप बनाया। ही यूज़ इट टू एग्जामाइन स्मॉल इंसेक्ट्स, और वो इसे किस लिए यूज़ करते थे, स्मॉल छोटे छोटे इंसेक्ट्स को एग्जामाइन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उससे हमें बड़ा बड़ा नज़र आएगा, ईजिली हम उससे देख पाएंगे। टुडे वी हैव पावरफुल माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई जम्प्स एंड टू परफॉर्म मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस। और आजकल क्या है बच्चों, आजकल ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स मौजूद हैं, यहाँ तक कि इतने पावरफुल कि हम बारीक से बारीक माइक्रोस्कोप्स और जम्प्स भी देख पाते हैं अपने बॉडी के, और मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस हमारे जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस किए जाते हैं, सर्जिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो इसी से करे जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारे बॉडी में
एक जो हमारी बॉडी बनी होती है एक छोटे से हम कहते हैं सेल से बनी होती है। अब सेल क्या होता है आप आगे जाके पढ़ेंगे बच्चों। सेल के अंदर बहुत छोटा सा पार्टिकल, ये मान लो हमारी बॉडी का अगर इतना सा पार्टिकल ले लूँ मैं या इतना सा पार्टिकल ले लूँ, तो इतने से पार्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें, वो सब चीज़ें हम देख पाते हैं इस माइक्रोस्कोप्स की मदद से। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे हाईली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स होता है, जैसे यहाँ पर है एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट 1000 times बिगर। ये कह रहे हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, वो एक इमेज को, एक किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को 1000 गुना बड़ा करके दिखाता है। अगर मैंने कहा कि मेरी चीज़ ये है, अगर मैं 2 गुना कर दूँ इसका, तो 2 गुना बच्चों क्या होगा, 2 गुना ये होगा, क्या होगा 2 गुना ये होगा, 3 गुना क्या होगा इसका, 3 गुना ये होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे इतना हो जाएगा। अब 1000 गुना करोगे तो वो चीज़ कितनी बड़ी नज़र आएगी, आपके पूरे पेपर पे भरी आएगी, इतनी बड़ी नज़र आएगी वो। तो एक छोटे से माइक्रोस्कोप को जो हमें इतना भी नहीं होता, वो इतना भी नहीं होता, हमें दिखता ही नहीं है, तो वो 1000 गुना जब उसका बड़ा करके देखेंगे तो दिखेगा। तो इसी तरीके से हम माइक्रोस्कोप से उसे देख पाते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, हम फोटो को जूम करते हैं डबल टैप करके या हाथ से ऐसे खींच के, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 गुना 2 गुना हो पाता है। ठीक है, 2 गुना या 4 गुना ऐसे बस खींच पाता है। मगर हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है उससे गिलास इतने पावरफुल होते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप को भी हम देखेंगे तो वो 1000 गुना करके उसे दिखाएगा और हमें साफ साफ नज़र आएगा कि ये कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, कैसे चल रहा है, हर चीज़ उसका मूवमेंट तक हमें नज़र आएगा। मेथड ऑफ़ ट्रीटमेंट, अब आ जाते हैं हम मेथड ऑफ़ ट्रीटमेंट के, कुछ ट्रीटमेंट के कुछ मेथड हैं, मतलब इलाज करने के कुछ तरीके हैं, उसे देखेंगे हम। पहला है बच्चों सर्जरी। सर्जरी क्या है, सर्जरी मींस रिपेयर रिमूवल और द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सर्जरी का मतलब होता है बच्चों रिपेयर करना, मतलब जो ख़राब हो गई है बॉडी के पार्ट्स उसे सही करना, रिमूवल करना मतलब एक पार्ट्स को हटाना, और द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के पार्ट्स डैमेज पार्ट जो हैं, जो ख़राब पार्ट हैं, उन्हें रिपेयर करना, उन्हें उनका रिमूवर करना, या हम ये कह सकते हैं रिप्लेस करना, मतलब उन्हें बदलना। जैसे आपने देखा होगा किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो सर्जरी करी जाती है उसकी, और किडनी चेंज कर दी जाती है, वो वाली किडनी हटा दी जाती है और दूसरे की किडनी लगा दी जाती है। ठीक है, तो वो पार्ट्स या ऑर्गन किसी भी बॉडी के, कोई भी बॉडी के कोई भी ऑर्गन या पार्ट्स को रिपेयर करने में, मतलब उसे ठीक करने में या फिर रिप्लेस करने में या हटा के दूसरा लगाने में, इसे हम क्या कहते हैं सर्जरी करना, यानी जिसे हम कहते हैं ऑपरेशंस, इसे हम कहते हैं ना ऑपरेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं सर्जरी। सर्जरी वॉज प्रैक्टिस्ड इवन इन द एंशियंट टाइम्स इन इंडिया। ये कह रहे हैं सर्जरी जो है सबसे पहले प्रैक्टिस कहाँ की गई थी, एंशियंट टाइम्स में प्रैक्टिस की गई है, मतलब करी जा चुकी है इंडिया के अंदर। पुराने ज़माने की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सर्जरी की जा चुकी है। नाउ अ डेज इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट अपॉन एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ये कह रहे हैं और आजकल के ज़माने में बच्चों ये सर्जरी जो है हमारे बॉडी के हर हिस्से पे, हर जगह पर हम कर सकते हैं। मतलब अब साइंट जो डॉक्टर हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, वो मतलब उन्हें इतनी नॉलेज हो चुकी है कि कहाँ पर किस तरीके से हमें ऑपरेशंस करना है, सारी उन्हें चीज़ें, सारी नॉलेज उन्हें हो गई है। द वाइटल पार्ट्स लाइक किडनी लिवर ब्रेन एंड हार्ट कैन बी सक्सेसफुली ऑपरेटेड अपॉन। और ये कह रहे हैं जो हमारे वाइटल पार्ट्स हैं जैसे कि हमारी किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, हार्ट है, अब ये सक्सेसफुली ऑपरेटेड किए जा सकते हैं। पहले क्या होता था बच्चों, हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता था, किडनी नहीं हो पाता था, लिवर नहीं था, ब्रेन नहीं था, फिर बाद में हमारा किडनी भी आया, लिवर भी आया, फिर ब्रेन आया, हल्के हल्के करके हार्ट भी आ गया। अब तो हमारा ब्रेन ट्रांसप्लांट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सक्सेसफुली अब ये ऑपरेट किए जा सकते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे मैंने कहा रिपेयर का मतलब ठीक करना, जैसे कि अब किसी के किडनी में क्या हुआ, किसी की जो है पथरी हो गई, जिसे हम कहते हैं स्टोन हो जाना, तो स्टोन निकालने के लिए जो है ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ऐसा तो उसमें क्या है रिपेयर करना, ख़राब चीज़ों को सही करना। ठीक है, किसी के पेट में गांठें हो गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई जो है गोश्त बढ़ गया है, हड्डी ख़राब हो गई है, हड्डी में इन्फेक्शन हो गया, रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है बच्चों, तो उसके लिए ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस को ही हम सर्जरी, उसी को हम सर्जरी कहते हैं। उसमें हम पार्ट्स को सही भी करते हैं यानी रिपेयर भी करते हैं, रिमूवल करते हैं यानी निकालते हैं, और उसके साथ साथ रिमूवल के साथ साथ हम उसे रिप्लेस भी करते हैं, मतलब बदलते भी हैं। जैसे कि हम अब कि बिना किडनी के तो इंसान रहेगा नहीं, तो किडनी को हम दूसरे किडनी तो लगानी पड़ेगी अगर निकाल लें, तो उसे हम कहते हैं रिमूवल के साथ साथ उसे हम कहते हैं रिप्लेस करना, मतलब बदल देना। फिर उसके बाद डैमेज पार्ट्स कैन बी इजीली रिप्लेस, ये कह रहे हैं जो हमारे डैमेज पार्ट हैं अब वो आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। पहले क्या होता था, किडनी ख़राब हो गई, इंसान मर गया। अब क्या होता है, किडनी ख़राब हो जाती है, दूसरे की किडनी लगा दी जाती है, या कोई इंसान अपनी किडनी दे देता है। जैसे हमारे बॉडी में 2 किडनी होती हैं बच्चों,
तो एक किडनी इंसान जो है अपनी उसे दे देता है इस तरीके से, या तो फिर कोई फैमिली मेम्बर होता है या कोई ऐसे घर का मेम्बर होता है, वो अपनी एक किडनी दे देता है। तो इस तरीके से वो उसकी किडनी उसके बॉडी में लग जाती है। दिस हैज़ हेल्प इन मेकिंग लाइफ मोर कम्फर्टेबल फॉर द सिक पर्सन्स। और ये कह रहे हैं बच्चों, इससे जो है जो लाइफ है लोगों की वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। किसके लिए? बीमार लोगों के लिए, सिक पर्सन के लिए, जो कमज़ोर लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उससे इन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, सुकूनदायक हो गई है। क्यों? पहले जो बीमार लोग होते थे वो बीमारी में ही मर जाया करते थे, उनका इलाज ही नहीं हो पाता था। अब क्या है, बहुत सारी मेडिसिन्स आ गई हैं, अलग अलग ऑपरेशन करने के तरीके आ गए हैं, सर्जरी हमारा आ गया है, सर्जरी रिमूवल कर देते हैं हम, पूरे पूरे बॉडी के पार्ट्स को हटा के दूसरे पार्ट्स लगा देते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में हड्डी टूट जाती है, हड्डी जोड़ देते हैं, मतलब हर तरीके के अब हमारे पास क्या मौजूद है, ट्रीटमेंट मौजूद हैं। तो हमारे इससे क्या हो रहा है, अब बीमारियाँ जब हैं तो बीमारी के इलाज भी हैं, तो इलाज भी हैं तो इससे लोग बाग ठीक हो जाते हैं और उनकी डेथ नहीं होती है। पहले ज़माने में क्या होता था, इलाज नहीं था तो लोग बाग मर जाया करते थे, उनकी डेथ हो जाया करती थी बीमारी का इलाज ना होने की वजह से। सर्जरी इज़ परफॉर्म बाय अ स्पेशलिस्ट कॉल्ड सर्जियन। और सर्जरी जो करी जाती है बच्चों, वो एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसके, जो सर्जरी करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्जियन। क्या कहते हैं उन्हें? सर्जियन कहते हैं। वो डॉक्टर जो कि सर्जरी करता हो, यानी बॉडी के ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, सिंपली आप समझेंगे तो हम कहेंगे ऑपरेशन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्जियन कहते हैं बच्चों उन डॉक्टर्स को, ठीक है, जो इसमें स्पेशलिस्ट होता है, जिसका ये काम होता है। नेक्स्ट पेज पे आइए, यहाँ पर लिखा है क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा बच्चों, कभी आपने सुना होगा कि किडनैपर आते हैं, और वो सुना नहीं होगा, मूवी में देखा होगा कि कोई इंसान आया किडनैपर, बच्चों को किडनैप करने आया, या किसी आदमी को आया, उसने रुमाल लगाया उसके मुंह पर और वो बेहोश हो गया। तो उसके रुमाल में ऐसा क्या था कि उसने मुंह पे लगाया और वो बेहोश हो गया जिसे भी किडनैप करने आया। तो आपने कभी मूवी में, सीरियल्स में देखा होगा, जब कोई इंसान किसी को पकड़ने आता है, किडनैप करने आता है, ठीक है, तो किडनैप करने आता है, तो वो क्या करता है, अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म लगा लेता है बच्चों। क्लोरोफॉर्म लगाते ही जैसे वो रुमाल दूसरे की नाक पर रखता है तो वो उसे सूंघते ही बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म मेक्स अ पर्सन अनकॉन्शियस सो दैट ही और शी फील नो पेन ड्यूरिंग द सर्जरी। अब ये क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल गलत काम के लिए लोग बात करने लगे, मगर पहले जो ये क्लोरोफॉर्म बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जब ऑपरेशन हो, तो अब आपने देखा होगा जब किडनी, जब हम किसी की किडनी निकालेंगे और लगाएंगे दूसरी, तो पूरा पेट पे जो है कट लगाना पड़ेगा पीठ में, ठीक है, पीछे जो है कट लगाना पड़ता है, पूरा काटना पड़ता है ब्लेड से, फिर उसके लेयर होती है वो हटानी पड़ती है, उसके बाद किडनी कट करके निकालनी होती है, फिर किडनी लगानी होती है। तो क्या होता है बच्चों, अब उसमें इंसान को दर्द होगा, अगर हमें छोटी सी पिन भी लग जाती है तो हमें कितना दर्द होता है। तो इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म होता है वो इंसान को अनकॉन्शियस कर देता है, बेहोश कर देता है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, यहाँ पर आप इसका मतलब लिख लिए, इसका मीनिंग लिख लिए, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है बच्चों? बेहोश, बेहोश हो जाना या बेहोश। तो क्लोरोफॉर्म से इंसान को बेहोश किया जाता है, किस लिए? कि कोई भी आदमी या औरत जो भी सर्जरी करा रहा है, जो भी ऑपरेशन जिसका हो रहा है, उसे दर्द ना हो सर्जरी के दौरान, क्या उसे फील ना हो पेन, उसे दर्द ना हो। पेन कहते हैं दर्द, ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के टाइम, ऑपरेशन के टाइम उसे दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो, इस वजह से उस जगह को जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा होता है या उसकी बॉडी को सुन कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस करना, बेहोश कर दिया जाता है, ठीक है, उसे पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बेहोश करके और बॉडी पार्ट को सुन कर देते हैं कि वहाँ पर दर्द ना हो। सर जेम्स यंग सिम्पसन, इनका नाम है सर जेम्स यंग सिम्पसन। ये जो जेम्स यंग सिम्पसन हैं, आज स्कॉटिश डॉक्टर, ये स्कॉटिश डॉक्टर हैं, इंट्रोड्यूस द मेडिकल यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉर डूइंग सर्जरी ऑन अ मदर टू बी इन 1847। ये कह रहे हैं इन्होंने, ये जो यंग सिम्पसन हैं, यानी जेम्स सिम्पसन जिन्हें हम कहते हैं, ये स्कॉटिश डॉक्टर हैं, इन्होंने मेडिकल यूज़ बताया क्लोरोफॉर्म का, किस लिए? फॉर डूइंग सर्जरी ऑन अ मदर टू बी इन 1847। मदर टू बी में 1847 में इन्होंने सर्जरी करने के लिए क्लोरोफॉर्म का मेडिकल यूज़ बताया, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताया इन्होंने, और मतलब इंट्रोड्यूस किया कि हम क्लोरोफॉर्म को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वीन विक्टोरिया रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया जो रूलर थी, इंग्लैंड की रानी थी, क्वीन थी, फ्रॉम 1837 टू 1901, ऑल्सो चूज टू टेक क्लोरोफॉर्म फॉर द बर्थ ऑफ हर सन प्रिंस लियोपोल्ड। और ये कह रहे हैं यहाँ तक के जो क्वीन विक्टोरिया थे, जब उनकी जो है उनके बेटे की
प्रिंस लियोपोल्ड जिनका नाम है, जब उनकी बर्थ हुई थी उसके लिए भी इन्होंने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया था। दिस मेड क्लोरोफॉर्म द मोस्ट पॉपुलर एनेस्थेटिक फ्रॉम द मिड 1800s टू अराउंड 1900। ये कह रहे हैं 1800 से लेकर बच्चों 1900 तक इसकी वजह से ही, जैसे क्वीन में विक्टोरिया ने, अब ये लोग बाकी अरे रानी ने इस्तेमाल किया है, रानी ने, तो ये चर्चा में आ जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में जो है हर किसी को पता चलने लगा और इससे ये पॉपुलर एनेस्थेटिक बन गया। ठीक है, एनेस्थेटिक कहते हैं बेहोश करने की दवा, तो एनेस्थेटिक बन गया ये 1800 से लेकर 1900 तक पॉपुलर हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब एक साल के अंदर इतनी ज़्यादा इसके बारे में लोग बाग को पता चल गया और हर कोई इसका इस्तेमाल करने लगा और आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स में। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इनका नाम आपको बहुत आगे तक याद सुनना पड़ेगा। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कई बार आप सुनेंगे बच्चों, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, कई बार यह इनका नाम आप सुनेंगे। और ये एक वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर, इनका नाम और इनका नाम आप आगे क्लास में भी पढ़ते रहेंगे, जब आप बायो पढ़ेंगे 9th 10th में तब भी इनका नाम आपके पास आता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर दो तीन साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका नाम आपके पास आती रहेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म का है तो आपको वैसे याद तो होना चाहिए, इतना बार बार इतना आता नहीं है। इनका नाम क्या है? जेम्स यंग सिम्सन। ठीक है, स्कॉटिश डॉक्टर हैं ये। और फिर पेनिसिलिन का आया, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। सर एलेक्जेंडर, सर लगाया जाता है, खिताब मिलता है बच्चों। ठीक है, सर जो है अमेरिका में ज़्यादातर लोगों को दिया जाता था, जैसे हमारे सर सैयद अहमद खान हैं, उन्हें भी सर जो है वहीं से मिला था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने 1928 में पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। इट एक्ट्स बोथ बाई किलिंग बैक्टीरिया एंड बाई स्टॉपिंग देयर ग्रोथ। ये कैसे होता है बच्चों? बैक्टीरिया को किल करके और उसकी ग्रोथ को रोक कर, स्टॉप करके ये एक्ट करता है, काम करता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट मैनी डिजीज लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डायफ्टेरिया, निमोनिया एक्सेट्रा। ये बच्चों किस लिए यूज़ किया जाता है, किस लिए इस्तेमाल हुआ इसका? काफ़ी डिजीज को सही करने के लिए, काफ़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए, जैसे कि मलेरिया होता है हमारा, ट्यूबरकुलोसिस यानी जो हमारी टीवी होती है, टीवी जो हमारी बीमारी होती है। ठीक है, डायफ्टेरिया एक होती है, और ऐसे हमारा जो निमोनिया होता है, इस तरीके की बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पेनिसिलिन का इस्तेमाल होने लगा। ये किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने बनाया था पेनिसिलिन? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये सारी चीज़ें आपको 8th 9th तक याद होनी चाहिए। तो अभी आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको आगे जो है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी याद रहेगी तो अच्छे से आप याद कर लिएगा कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन करी, क्लोरोफॉर्म जेम्स सिम्सन ने करी। इस तरह से आपको नाम तो याद होने चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए भी बेहतर है। आगे ये क्वेश्चन आते हैं, वैक्सीनेशन क्या होता है? अब द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशंस मेड ट्रीटिंग द डिजीज़ मोर इफेक्टिव। ये कह रहे हैं जैसे कि एंटीबायोटिक जो हमारी दवाई होती हैं उसके साथ साथ वैक्सीनेशन करके ट्रीटिंग द डिजीज़ मोर इफेक्टिव, इससे जो है बीमारी को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं हम कोई भी बीमारी में अगर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं और एंटीबायोटिक्स उसके साथ साथ दे रहे हैं, तो जो बीमारी को ठीक करने का तरीका है या हमारी बीमारी जो ठीक हो रही है उसे और इफ़ेक्टिव बना दिया, उसका असर और ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। क्या? एंटीबायोटिक्स के साथ अगर वैक्सीनेशन किया जाता है तो उसका असर दवाओं का और बढ़ जाता है और बीमारी जल्दी ही ख़त्म होती है। मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीजेस। क्या है बच्चों? देखो जैसे कि बता रहे हैं, दवाएं जैसे कि हमारी एंटीबायोटिक होती हैं वो क्या करती हैं? डिजीज़ को क्योर करती हैं, ठीक करती हैं। बट वैक्सीन्स प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम अकुरिंग। और वैक्सीन्स का क्या होता है बच्चों? वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? वैक्सीनेशन आपने सुना होगा, टीका लगवाते हैं बच्चों को, तो वैक्सीन्स जो होती हैं, वैक्सीनेशन जो किया जाता है बच्चों, वो इसलिए क्या आता है कि वो बीमारी दोबारा ना हो। जैसे हमारा होता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जो हमारे खसरा कहते हैं हम जिसे, ठीक है, तो ये जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होता है बच्चों, इस तरीके की बीमारी जो है बार बार ना हो, तो इस तरीके की बीमारी के लिए अब तो क्या किया जाता है हमारे लिए, बच्चों के जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें टीके लगते हैं, तो आपने सुना होगा टीके लगते हैं, तो टीके इसीलिए लगते हैं, उन्हें वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, वैक्सीन्स लगाई जाती हैं जिससे वो बीमारी उनके अंदर पहले तो, अब आप जब पढ़ेंगे कि वैक्सीनेशन में होता क्या है, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका, आपको समझ में नहीं आएगा अभी, तो मैं अगर अभी आपको बताऊंगा कि वैक्सीनेशन में होता क्या है और वैक्सीनेशन में होता क्या है। तो वैक्सीनेशन में अगर हम एक तरफ से देखें तो वैक्सीनेशन में खुद ब खुद उसके अंदर वो बीमारी डाली जाती है। क्या किया जाता है? जैसे कि बच्चों अगर हमें पहली बार बुखार होता है तो हमें हमारी बॉडी में, तो हमें पता नहीं होता कि बुखार क्या चीज़ है, हमें पहली बार पता चलता है अच्छा ऐसा होता है बुखार, बॉडी गर्म हो जाती है, ऐसा लगता है। तो अगर किसी के सर में दर्द पहली बार हुआ तो उसे तब पता नहीं चलता है कि सर में दर्द है, बस ऐसा लगता है कि हाँ सर में कुछ हो रहा है।
तो उसे पता नहीं होता ना पहले कि हमने आज से पहले उसे जैसे सर में दर्द ही नहीं होता, तो उसे कैसे पता होगा कि अच्छा ऐसे सर में दर्द होता है, तो उस टाइम उसे पता चलेगा, तो बॉडी उस चीज़ को पहचान जाती है। तो इसी तरीके से वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया डाल देते हैं, तो बॉडी जो है उससे लड़ती है और उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स बना देती है। बच्चों क्या बना देती है, आप ये समझ लीजिए बॉडी हमारा जो जिस्म है वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए दवाइयाँ बना देती हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो हमारे जो वैक्सीनेशन किया जाता है उसमें वो बैक्टीरिया पहुँचाए जाते हैं बच्चों के बॉडी में, फिर वो बॉडी उनसे लड़ती है और उसके खिलाफ एंटीबायोटिक बना देती है, यानी उनसे लड़ने की दवा बना देती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन किया कि अब वो दवा पहले से बन चुकी बॉडी के अंदर, अब दोबारा कभी हमारे बॉडी में अगर ये बैक्टीरिया आएगा तो खुद ब खुद बॉडी इसे मार देगी क्योंकि उसके अंदर दवा पहले से मौजूद है। तो इसलिए वैक्सीनेशन किया जाता है, जो टीके लगाए जाते हैं कि वो दोबारा बॉडी में बीमारी पैदा ना हो, इसलिए वो बीमारी का वैक्सीनेशन उस बीमारी का टीका पहले लगा दिया जाता है। फिर हमारा बच्चों डॉक्टर जेनर डेवलप प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स, ये कह रहे हैं जो डॉक्टर जेनर थे, एडवर्ड जेनर इनका नाम है पूरा पूरा डॉक्टर एडवर्ड जेनर, इन्होंने जो है एक प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाई किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। आपने सुना होगा जो हमारे दाने निकल आते हैं चेहरे पर, आपने सुना होगा चेहरे पर बॉडी पर स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इट इज़ नाउ कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो अब इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के नाम से जानते हैं। एवरी यंग चिल्ड्रन इज़ नाउ वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और हर छोटा बच्चा जो यंग चिल्ड्रन होता है, ज़्यादातर बच्चे जो छोटे छोटे जो पैदा हुए होते हैं, बॉर्न होते हैं, उन्हें ये टीके दिए जाते हैं कि उन्हें स्मॉल पॉक्स ना हो, ठीक है, उन्हें स्मॉल पॉक्स हो ना। मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ये कह रहे हैं वर्ल्ड का काफ़ी हिस्सा आज के ज़माने में फ्री हो गया है स्मॉल पॉक्स से। मतलब स्मॉल पॉक्स जो है पहले ज़माने में जब इन्होंने बनाई थी एडवर्ड जेनर ने, तो ये समझ लिए उस ज़माने में स्मॉल पॉक्स से लोग बाग की इतनी बुरा हाल था कि वो मर जाते थे, स्मॉल पॉक्स का इलाज ही नहीं था, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स की इन्होंने फिर जब वैक्सीनेशन कर खोजी, तो फिर उसके बाद आज के ज़माने में हर कोई जो है इससे फ्री है, इससे बचा हुआ है इस बीमारी से। न्यू वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप फॉर डिजीज़ लाइक कॉलेरिया, पिलॉग, पोलियो, कफ, टेटनस एंड ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों आजकल के ज़माने में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसी वैक्सीन्स बनाई गई हैं, जैसे कि हमने अभी बताया स्मॉल पॉक्स की तो बनी गई थी पहले, और वैक्सीन जैसे कि हमारे डिजीज़ हैं, जैसे कि हमारी कॉलेरा है, पिलोग है, और पोलियो है, पोलियो जिसे हम कहते हैं, कफ होता है, टिटनेस होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये सारी बीमारी जो है इसकी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। पोलियो आपने देखा होगा, पोलियो की बूंद ला के पिलाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो पोलियो का बचपन में टीका लगता है और फिर कुछ साल तक 5 महीने 5-6 साल तक बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाई जाती है कि उस बच्चे को पोलियो ना हो, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल बीमारी थी पोलियो, और जैसे कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, कफ है, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल थी पहले ज़माने में, हर किसी को हो जाती थी। क्यों बच्चों, हर किसी को होने का मसला ये नहीं कि ज़्यादा ही थी, इसका मतलब ये है जैसे कि अब हमारे किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ पहले ज़माने की बात करें अगर हम, तो उसका इलाज तो है नहीं, उसके अगल बगल वाले जो हैं उन्हें भी होगा, वो भी बीमार होंगे, उससे और बीमार होंगे। अब क्या है, अगर किसी एक को होती है तो वो ठीक हो जाता है दूसरे तक फैलने से पहले, या अगर फैल भी आता है तो दोनों का इलाज हो जाता है। पहले क्या होता था, इलाज नहीं हो पाता था, बीमारी बढ़ती चली जाती थी, तो इस वजह से लोग बाग मर जाया करते थे। फिर आया हमारा पेस्टोराइजेशन, ये बहुत आप ये भी आगे सुनेंगे आप नाम, और इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। लुइस पास्टर, ये क्या लिखा है बच्चों, पेस्टर लिखा है, लुइस पास्टर वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, ये फ्रांस के बायोलॉजिस्ट थे। बायोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चों जो बायोलॉजी में बायोलॉजी पढ़े हों, बायोलॉजी से रिसर्च कर रहे हों, या जो भी, ठीक है। तो ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, ही डिड साइंटिफिक, क्या ही डिड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इन्होंने क्या किया बच्चों, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूफ करने के लिए कि बीमारी की जर्म थ्योरी क्या होती है, ठीक है, कि जर्म से ही बीमारी होती है। विच होल्ड दैट जर्म्स अटैक द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, जिससे ये बताना चाह रहे थे वो कि जो जर्म्स होते हैं बच्चों वो बॉडी के आउटसाइड से बाहर से आकर अटैक करते हैं, मतलब इधर उधर से हमारे जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वहाँ से हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं वो, और हमारी बॉडी को बीमार करते हैं, अटैक करते हैं। तो ये बताने के लिए उन्होंने एक क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ही इज़ वेल नोन फॉर द, और ये किस लिए जाने जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, नेक्स्ट पेज पर देखिए, ही इज़ वेल नोन फॉर द, किसके नाम मतलब किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर रेबीज़।
रेबीज़ एक बीमारी होती है बच्चों, उसके वैक्सीन्स उसका टीका बनाने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। लुईस पाश्चर कौन है? ये एक साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हैं। ये जो है बीमारी, जो एक रेबीज़ बीमारी होती है उसका टीका बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनका नाम अच्छे अच्छे लोग हर कोई जानते हैं, जैसे कि आज हम जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ पेस्टराइजेशन वॉज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर लुईस पाश्चर। ये कह रहे हैं जो पेस्टोराइजेशन का प्रोसेस होता है बच्चों, वो पेस्टोराइजेशन का प्रोसेस भी लुईस पाश्चर के नाम से जाना जाता है। पेस्टोराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है पेस्टोराइजेशन, उसके ही उनके ही नाम से ही, लुईस पाश्चर इनका नाम था, उन्हीं के नाम से ही ये नाम दे दिया पेस्टोराइजेशन। हु डिस्कवर्ड दैट जर्म्स कुड बी किल्ड इन वाइन बाई अप्लाइंग हीट एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इन्होंने क्या बताया लुईस पाश्चर ने, कि जो जर्म्स हैं बच्चों उन्हें शराब के अंदर, वाइन के अंदर मारा जा सकता है, कैसे? हीट अप्लाई करके एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कितना टेम्परेचर पर? उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम वाले टेम्परेचर पर उसे हीट करके उसे मारा जा सकता है। द प्रोसेस वॉज लेटर अप्लाइड टू मिल्क। और बच्चों बाद में यही प्रोसेस जो है मिल्क पर, दूध जो होता है हमारे घर का, जो दूध हम पीते हैं या जो जिससे चाय बनती है, वही मिल्क उस पर अप्लाई किया इन्होंने ये प्रोसेस। पेस्टोराइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन द प्रोसेस ऑफ मिल्क टुडे। और ये कह रहे हैं बच्चों जो पेस्टोराइजेशन होता है, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि आजकल के ज़माने में हर कोई मिल्क के ऊपर करता है। तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा हम ये क्या कह रहे हैं, मिल्क के ऊपर करता है, मिल्क के ऊपर करता है। तो आपने बच्चों कभी देखा होगा जब घर में दही जमाई जाती है, तो वो दही जो जमाई जाती है वो मिल्क से ही बनाई जाती है। तो मिल्क को देखा होगा आपने, ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं उसके, उसे थोड़ा नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। तो उसे जो है खुला रखा जाता है कि उस पर जो बैक्टीरिया लगे, फिर पेस्टोराइजेशन प्रोसेस हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो दही बन जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने पेस्टोराइजेशन प्रोसेस दही पर भी करके देखा था, तब से ही हम लोग दही बनाना सीख गए। हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर के बारे में देखते हैं इसमें क्या दे रहे हैं। हेल्थ केयर मतलब अपनी देखभाल, अपनी सेहत की देखभाल। वी मस्ट टेक सम कॉमन स्टेप्स टू स्टे हेल्दी। ये कह रहे हैं बच्चों हमें जो है कुछ कॉमन स्टेप्स लेने चाहिए हेल्दी रहने के लिए। वो स्टेप्स क्या क्या हैं? दीज आर एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला क्या है? वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर पर्सनल क्लीन लाइन्स, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस या क्लीनलाइंस जो भी कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं क्लीनलीनेस के लिए, अपनी सफाई सुथराई के लिए, अपनी खुद की पर्सनल सफाई का ध्यान देना चाहिए हमें, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड ईट गुड एंड हेल्दी डाइट अकॉर्डिंग टू द नीड। ये कह रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से हमें अच्छी, गुड और हेल्दी डाइट और सेहतमंद खाना लेना चाहिए, डाइट लेना चाहिए जैसे कि हमें ज़रूरत हो। अगर हम सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंडा खाने लगेंगे तो वो भी हमें नुकसान करेगा, तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो हमें हेल्दी के साथ, अच्छे के साथ साथ हमें हेल्दी फूड लेना है। अगर आप सिर्फ गुड फूड देखें, टेस्टी खाना ढूंढें, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी भी हो। बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं, तो बच्चों टेस्टी तो होगा, अच्छा तो होगा, मगर वो हेल्दी नहीं होगा। तो हमें गुड के साथ साथ हेल्दी डाइट लेनी है जो कि हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से। अगर किसी को न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है, आयरन की कमी है, तो उसे ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता हो, ऐसी सब्ज़ी खाए जिसमें आयरन मौजूद हो, ठीक है। किसी को कैल्शियम की कमी है तो उसे दूध पीना चाहिए, कैल्शियम की वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो इसी तरीके से ज़रूरत के हिसाब से हमें चीज़ें खानी चाहिए। वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। फिर क्या है हमारा, हमें रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज़ के रोज़ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, और हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, ये तो हर कोई जानता है। फिर हमारा सिक्स पॉइंट है वी शुड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। हमें जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पहले वॉश करना चाहिए बच्चों, सब्जियां जो होती हैं और हमारे जो फल होते हैं, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमें उसे धोना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए। फिर हमारा सेवन पॉइंट है यहाँ पर वी शुड बी अटेंटिव अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ अवर सराउंडिंग्स। और अभी हमने सबसे पहले बताया था कि हमें अपने खुद का सफाई सुथराई का ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों अपने घर का या अपने अपने आप की सफाई सुथराई का ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने घर के चारों तरफ इधर उधर का भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर गंदगी होगी तो कीड़े मकोड़े और मलेरिया, बहुत सारे मच्छर पैदा होंगे, बीमारी होंगी, पानी इकट्ठा है तो उसमें कीड़े पैदा हो रहे हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। तो अपने साथ साथ हमें अपने चारों तरफ जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, हमारे इधर उधर का एरिया है, उसका भी ख्याल रखना है कि वो भी गंदा ना हो। इफ़ वी डू नॉट फील वेल वी शुड कॉल और विजिट अ डॉक्टर। ये कह रहे हैं अगर हमें
अच्छा फील ना हो, हमें बेहतर फील ना हो, तो हमें क्या करनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए या फिर डॉक्टर के पास खुद चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको हेल्दी फूड दिख रहा है, ये चिल्ड्रन बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर एक डॉक्टर के पास गए हुए हैं। तो ये हेल्दी फूड में देखिए आपको कई तरीके का खाना दिख रहा होगा, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो अलग अलग टाइप्स के हेल्दी फूड्स होते हैं बच्चों। कुछ में जो है हमारे विटामिन होते हैं, कुछ में मिनरल्स होते हैं, कुछ में हमारा आयरन पाया जा रहा है, कुछ में कैल्शियम, किस में और विटामिन भी, किसी में विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी, अलग अलग तरह के विटामिन मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे। अब आ जाते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइजेस पर, वन बाय वन हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्या है बच्चों, यहाँ पर पहला है हमारा टिक द करेक्ट, ये तो आपको बुक में ही करना होता है। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी बुक में करना होता है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, यहाँ पर ट्रू फॉल्स है आपका, ये भी आपको बुक में ही करना होता है। फिर यहाँ पर है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये आपको कॉपी में करनी होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किस में करनी है आपको, ये इन कॉपी, तो ये आपको कॉपी में करनी है। पहले हम करने जा रहे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पर, पहुँचते हैं, चलिए वहाँ पर हमें क्या करना है, पहले टिक द करेक्ट ऑप्शंस वन बाई वन हम इसे करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्या है बच्चों, पहला फर्स्ट रीड करते हैं। फर्स्ट है इसका टिक द करेक्ट ऑप्शंस का, टू मेक अ पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरी अनकॉन्शियस, डॉक्टर यूज़, ये कह रहे हैं जो इंसान, जो मरीज वो सर्जरी के लिए जा रहा हो उसे अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं बच्चों, तो मैंने बताया था वो क्या होता है, एनेस्थीसिया होता है, क्या एनेस्थीसिया होता है, जो बेहोश करने की दवा होती है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर दिए, एनेस्थीसिया पर। फिर सेकेंड है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज स्मॉल पॉक्स, ये कह रहे हैं सॉरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये कह रहे हैं कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट, इन चारों में से, तीनों में से जो भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कौन सा औजार है, या ऐसे कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने बताया था स्टेटोस्कोप, थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप होता है बच्चों वो जिससे हम जो है मैग्नीफाई कर पाते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देख पाते हैं। आजकल के ज़माने में जो हम जम्स, पता चला हमें कि जम्स मौजूद हैं, तो जम्स हमें दिखते तो है नहीं ऐसे, तो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमने जब माइक्रोस्कोप से देखा होगा तब हमें पता चला होगा कि इतने छोटे भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे हैं, हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसे हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया, माइक्रोस्कोप। फिर थर्ड आया बच्चों, पेस्टोराइजेशन स्किल्स द, ये कह रहे हैं जो हमारा पेस्टोराइजेशन प्रोसेस होता है बच्चों वो किसे कर मारता है, बैक्टीरिया को, जम्स को, वायरस को, नॉन ऑफ दीज। तो मैंने बताया था जो पेस्टोराइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जम्स को मारा जाता है, क्या जम्स को किल किया जाता है, जम्स को किल करके किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लिए जम्स, इसका भी ऑप्शन सी है, पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का सी। अब फोर्थ पे आ जाइए, डॉक्टर जेनर डेवलप प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर, ये कह रहे हैं डॉक्टर जेनर जो थे, यानी हमारे एडवर्ड जेनर जो थे, यहाँ पर डॉक्टर एडवर्ड जेनर, इन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी वो किस लिए बनाई थी, किस चीज़ के लिए, तो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स, किसके लिए बच्चों, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो स्मॉल पॉक्स है उस पर आप इस पर टिक कर दिए, ये डॉक्टर जेनर हैं, यानी डॉक्टर एडवर्ड जेनर हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ड जेनर के नाम से जानते हैं, इन्होंने जो प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाई थी बच्चों वो किसके लिए बनाई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, पहला, दूसरा और तीसरा हमारा सी 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 है, और चौथा हमारा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे आप टिक कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स दी हुई है, इसे यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली जगह को फिल करना है। अ डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज द साउंड्स मेड बाई द हार्ट एंड लंग्स, ये कह रहे हैं कौन सा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आवाज़ को मैग्नीफाई करता है, जो कि आवाज़ हार्ट और लंग से आ रही हो, उसे तेज सुनने में मदद करता है बच्चों, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने बताया था आपको अभी, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक है सर्जियन है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, बायोलॉजिस्ट है, स्टेटोस्कोप है। तो मैंने बताया था डॉक्टर स्टेटोस्कोप यूज़ करते हैं, जो अपने, जिसे हम आला कहते हैं, जो कान में लगाते हैं और उसे डॉक्टर फिर दूसरे के हार्ट पर रखते हैं, तो उससे क्या है आपको जो हार्ट और लंग्स की आवाज़ है साउंड से, उसे मैग्नीफाई करके तेज़ करके सुनाता है वो, तो उसे हम कहते हैं मैग्नीफाई करके सुनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटोस्कोप। तो यहाँ पर लिख ली स्टेथोस्कोप, एस टी ई टी एच ओ स्टेथो एस सी ओ पी ई स्कोप, स्टेथोस्कोप।
तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है बच्चों, सर्जरी इज़ परफॉर्म बाय अ स्पेशलिस्ट कॉल्ड। तो मैंने बताया था सर्जरी जो है वो कौन परफॉर्म करता है, एक स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं सर्जरियन। क्या? सर्जियन कहते हैं हम, जो सर्जरी करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, उन डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, सर्जियन कहते हैं। SURGEON यहाँ पर लिखा है सर्जियन, देखिए। तो आपको इसी में फिल करना है, यहाँ पर नंबरिंग मत कर दिएगा। द डैश वॉज इन्वेंटेड बाई जैब्रियल डैनियल फेनरहिट। ये बताइए बच्चों, क्या चीज़ जो है जैब्रियल डैनियल फेरनहीट ने डिस्कवर्ड किया था, इन्वेंटेड किया था, इन्वेंट किया था? तो वो क्या था, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यहाँ पर आपको लिखना है, तो थोड़ा छोटा छोटा लिख लेंगे ये, वरना ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्लिनिकल थर्मोमीटर किसने डिस्कवर्ड किया था, डॉक्टर जैब्रियल डैनियल फेरनहीट। जो जैब्रियल डैनियल फेरनहीट जो थे, उन्होंने ही क्लिनिकल थर्मोमीटर डिस्कवर्ड किया था। तो यहाँ पर लिख दिए क्लिनिकल, CLINICAL क्लिनिकल, फिर यहाँ पर THER MO थर्मो, फिर यहाँ पर मीटर METER। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको अगर साफ नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से स्पेलिंग देख लीजिएगा, मगर आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ लिख दिए क्लिनिकल थर्मोमीटर। फोर्थ है हमारा लुइस पास्चर वॉज अ फ्रेंच, कौन थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। लुइस पास्चर जो थे वो बच्चों कौन थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। BIOLOGIST लुइस पास्चर वॉज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट। जो लुइस पास्चर थे वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। अब नेक्स्ट आ जाइए बच्चों ट्रू फॉल्स पे। यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स लिखने की जगह तो नहीं दी है, हम अपने आप ही यहीं आगे लिख लेंगे। ये कह रहे हैं जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना होता है, 98.4 डिग्री फेरनहीट और 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताना है हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है बच्चों, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 98.4 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, दिखाते हैं आपको, हमने यहाँ पर आपको बताया था 98.40, तो पॉइंट के बाद बच्चों जीरो आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर जीरो फोर के बीच में होता है, यहाँ पर फोर होता है, यहाँ जीरो होता तो वैल्यू होती, इसके बाद जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल ट्रू बात है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दिए ट्रू, ये आपका हो गया ट्रू, ठीक है, पहला हमारा हो गया ट्रू। सेकेंड है द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप गोज टू गैलीलियो। ये कह रहे हैं जो क्रेडिट गया था माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने का वो किसके पास गया, मतलब जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ था। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हुआ चलूँगा, देखिए मैंने बताया था ना गैलीलियो एक फेमस इटालियन साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने सुना कि फिली ग्लास बनाया है किसी ने, तो उन्होंने एक और फिली ग्लास बनाया जिसका नाम माइक्रोस्कोप दे दिया, और इसी वजह से जो क्रेडिट गया था इन्वेंशन का माइक्रोस्कोप के, वो चला गया गैलीलियो के पास। तो ये वाले अभी ही हमारा ट्रू है, ये हमारा क्या पूछ रहे हैं, द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप गोज टू गैलीलियो। तो ये भी ट्रू बात है, जो क्रेडिट गया था वो सारा क्रेडिट गया था गैलीलियो के पास। फिर थर्ड आया बच्चों पेस्टोराइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन द प्रोसेस ऑफ मिल्क टुडे। ये कह रहे हैं पेस्टोराइजेशन है जो वो आज के मिल्क में एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन चुका है। क्या ये सही बात है, जो हमारा मिल्क है उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन बन गया है हमारे मिल्क प्रोसेसिंग में, तो ये सही बात है या नहीं बात है? तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, आजकल देखा होगा हमारा जो दही बनता है वो इसी से ही बनता है, तो ये भी हमारा ट्रू है। तो यहाँ पर भी टी लिख दिए, ठीक है, ये भी आप टी लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट, हमारा फोर्थ, वी मस्ट फॉलो द बिग फैमिली नॉर्म्स टू कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये कह रहे हैं हमें जो है बड़ी फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये इस चैप्टर का तो हमें ठीक लग रहा नहीं है ये क्वेश्चन, मगर तब भी अगर हम आंसर दें तो ये फॉल्स है, क्योंकि बच्चों ये कह रहे हैं अगर आपको पॉपुलेशन कम करनी है, लोग कहीं की आबादी कम करनी है, तो हमें अपनी बड़ी बड़ी फैमिली बनानी चाहिए, बड़ी बड़ी फैमिली रखनी चाहिए। तो बच्चों अगर घर में 10-12 लोग हैं, ठीक है, 20-30 लोग हैं, तो उससे तो भीड़ बढ़ेगी ना, उससे तो लोग बाग और बढ़ेगी, आबादी और बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें बिग फैमिली को नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें बिग फैमिली नहीं रहनी चाहिए। अगर स्मॉल फैमिली रहेगी तो उससे हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग एक्स्ट्रा पूछ लिया है इन्होंने, तब भी हम कर दे रहे हैं इसे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा बच्चों ट्रू है, यहाँ पर टी 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 लिख दिए, और आखिरी वाला हमारा फोर्थ फॉल्स है, तो यहाँ पर एफ लिख दिए। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके आगे हमारा क्या है, इसके आगे नेक्स्ट दूसरी एक्सरसाइजेस हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, बस हमारा इस पर हमारा ये आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ही मौजूद है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए वापस आ जाइए, पहला क्या है इसमें क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। बच्चों अब ये बताइए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ क्या होता है।
तो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ क्या है, जल्दी से थर्मामीटर वाले पार्ट पे आ जाइए, इसका आंसर हम टिक लगवाएंगे आपको, ठीक है, सारे आंसर आपको टिक लगवाएंगे। तो क्लिनिकल थर्मामीटर पेज नंबर इसका कहाँ है, पेज नंबर 73, तो इसका आंसर पेज नंबर 73 पर मौजूद है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर 73, जिससे आपको याद रहे और फौरन के फौरन आप उस पेज पर आप आएँ आंसर ढूंढने के लिए। पेज नंबर 73 पर देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो है किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा होगा, इस तरह से तो दिया नहीं है, यहाँ पर लिखा है टुडे वी हैव द थर्मामीटर टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसने किस लिए, क्लिनिकल थर्मामीटर, यहाँ से बुक से आंसर लिख लेते हैं पहले, क्लिनिक द यूज़ ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़, या हम सिंपल लिख लेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज़ टू गेट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्या यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं आपको, यहीं पर आपको आंसर लिख देते हैं, यहाँ से लिखिए पहले बच्चों, यहाँ से लिखेंगे आप क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड या इज़ यूज़, उसके बाद यहाँ से देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज़ के बाद पेज नंबर 73 पे आइए, इज़ यूज्ड टू गेट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। क्या क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग, कहाँ से, टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो कहाँ से लिखेंगे बच्चों, फिर से देखिए आप आंसर, यहाँ से लिखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज़, यूज़ के बाद पेज नंबर 73 पे आ जाएंगे हम इसका आंसर कंप्लीट करने के लिए। ये पहले आप पूरा क्वेश्चन उतार लीजिएगा यहाँ तक, उसके बाद आंसर में लिखिएगा शुरू में क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज़, यूज़ के बाद पेज नंबर 73 पे इसका आंसर है, और यूज़ के बाद यहाँ जाइए यूज़ टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया आपका, पेज नंबर 73 है आपका ये, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप दोबारा देख लिए आंसर नंबर फर्स्ट कहाँ से है, यूज़ के बाद टू गेट एन यूज़ टू गेट एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, मैंने यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट लिख दिया, आप भी लिख दिए, पहले क्वेश्चन से ही लेना आपको क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज़ टू गेट द एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट के बाद एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पूरा आंसर लिख देना है। फिर पेज नंबर 78 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मौजूद है यहाँ पर, हाउ वाज स्टेटोस्कोप डेवलप, ये कह रहे हैं बच्चों स्टेटोस्कोप डेवलप कैसे हुआ, तो ये तो बहुत लंबी कहानी है कि बच्चे खेल रहे थे बांस के डंडे को लेकर, एक बच्चा बोल रहा था एक बच्चा सुन रहा था, तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी देखा, फिर उन्होंने क्या किया एक न्यूज़पेपर का पाइप बनाया और उससे जो है सुनने लगे, एक पेशेंट के हार्ट पर रख के तो उन्हें बहुत साफ सुनाई देने लगा, उससे फिर उन्होंने स्टेटोस्कोप बना दिया। तो देखते हैं अगर इसका आंसर ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर नहीं करवाएंगे। तो स्टेटोस्कोप देखिए पूरा यहाँ से है कि डॉक्टर री ने द स्टेटोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर री ने, डॉक्टर री ने सॉ टू चिल्ड्रेन, कहाँ से डेवलपमेंट कहाँ से हुआ इसका, डॉक्टर री ने सॉ टू चिल्ड्रेन सिटिंग एंड एंड्स ऑफ लॉन्ग होलो लॉग ऑफ वुड, वन वॉज विस्परिंग थ्रू इट एंड द अदर वॉज लिसनिंग, दिस गेव हिम एन आइडिया, आइडिया के बाद आइडिया, एंड ही रोल अ न्यूज़पेपर लाइक अ लॉन्ग ट्यूब एंड पुट इट ऑन हिज पेशेंट चेस्ट टू हिज सरप्राइज द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट कुड बी हर्ड क्लियरली, दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टेटोस्कोप, नाउ इट इज़ यूज बाई एवरी डॉक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो बच्चों आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा इसमें, उसके साथ साथ यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर बड़ा होगा बहुत ज़्यादा, डॉक्टर रीने से लेकर पूरा नेक्स्ट पेज पर होगा, ठीक है, डॉक्टर रीने जो हमारे यहाँ पर मौजूद है, देखिए डॉक्टर रीने से लेकर हमारा नेक्स्ट पेज पे जो है ये, यहाँ डॉक्टर रीने से लेकर यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज पे जो है आपका यहाँ, ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, तो आंसर ये बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, तो इसे हम कट करवा देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कट कर दिए, ये बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये मिस प्रिंट है, ये जो फिलिंग जो आपके ट्रू फॉल्स थे उसके ब्लॉक्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये आपके कुछ नहीं है, ये इसे काट दिए, ये ऐसे ही फर्जी दे दिए हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये फालतू में दे दिया गया है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ये कह रहे हैं माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के ज़माने की, मतलब जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, कैसे इन्वेंट हुआ था, तो ये भी थोड़ा बड़ा ही है, माइक्रोस्कोप वाले पार्ट में आ जाइए बच्चों। ये कह रहे हैं माइक्रोस्कोप also had an interesting story, कहाँ से, यहाँ पर देखिए, nearly 400 year ago an optician in Holland now Netherlands happened to keep two different glasses one behind the other while talking to his customer, suddenly he saw through these glasses a fly as big as lamb,
कहाँ से शुरू हमारा, नियरली से लेकर। ही कुड नॉट बिलीव वाट ही हैड सीन, देन ही प्रिपेयर अ टॉय कॉल्ड अ फ्ली ग्लास। गैलीलियो अ फेमस इटालियन साइंटिस्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट फ्ली ग्लास आल्सो मेड अ फ्ली ग्लास बट नेम इट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ तक आंसर होगा आपका नियरली से लेकर। तो ये क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है अगर हम बताना चाहें तो, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें हम छोड़ नहीं सकते बच्चों। तो ये आपको आंसर कर लेना है तो ये आप आंसर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में चाहे ना आए आपके क्योंकि ये थोड़ा बड़ा आंसर है मगर आ भी सकता है बच्चों, चार नंबर में, ठीक है, चार नंबर में, तीन नंबर में आंसर आपका आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये पेज नंबर 74 पर, पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर 74, ये वाला तो बहुत ही बड़ा था इसलिए हमने नहीं कराया, ये वाला इतना बड़ा नहीं है तो आपको ये कर लेना है। पेज नंबर 74 पर आंसर नंबर 3 आपका मौजूद है, यहाँ पर ये नियरली से लेकर पूरा माइक्रोस्कोप तक, नियरली से लेकर पूरा ये सारी लाइनें, ये सारी लाइनें उसके बाद माइक्रोस्कोप तक, ये आपका क्या हो गया आंसर नंबर 3 है ना बच्चों, ये तो आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 3 है, तो आंसर नंबर हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, टिक लगा दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन और पैस्टोराइजेशन पे नोटिस, नोट लिखना है मतलब उसके नोट बनाने हैं, उसके बारे में लिखना है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है बच्चों, पैस्टोराइजेशन क्या होता है, तो वैक्सीनेशन वाले पहले टॉपिक पे आइए आप। वैक्सीनेशन यहाँ पर है हमारा, वैक्सीनेशन क्या होता, वैक्सीनेशन में जो है अगर हम देखे जाएँ तो इसमें वैक्सीनेशन का कोई खास इसमें डेफिनेशन तो दी नहीं है। वैक्सीनेशन में क्या होता है, टीका लगाया जाता है एक तरह से, यहाँ पर तो बस बताया गया है कि एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स को अगर हम साथ में यूज़ करें तो हमारी बीमारी जल्दी ठीक होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर जेनर जो थे उन्होंने वैक्सीन बनाई, तो इस तरह से वैक्सीनेशन की यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं है बच्चों, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। फिर पैस्टोराइजेशन के बारे में देखें तो पैस्टोराइजेशन के बारे में क्या है, पैस्टोराइजेशन एक प्रोसेस होता है बच्चों, अभी दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए बच्चों वैक्सीनेशन की कोई खास में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर वैक्सीनेशन की नहीं दी है। और पैस्टोराइजेशन में क्या होता है बच्चों, पैस्टोराइजेशन का मेन मतलब ये होता है कि किसी भी पैक या अनपैक जो कोई खाना या कोई भी आजकल नॉर्मली जो है फूड के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है वो ख़राब ना हो, उसके लिए पैस्टोराइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे हम दूध को नॉर्मली बॉयल करते हैं हम उसे और उसे रखते हैं, तो आपने देखा होगा अगर दूध को हम ऐसे रख देते हैं ख़राब होता है तो हम बॉयल करके रखते हैं, ऐसे ही हम दही जो बनाते हैं वो पैस्टोराइजेशन के मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई डेफिनेशन आपको प्रॉपर दी नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पैस्टोराइजेशन की हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो इसे आप छोड़ दिए, वाला क्वेश्चन भी हटा दिए, पैस्टोराइजेशन की कोई डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर दी नहीं है तो ये क्वेश्चन भी हटा दिए। राइट सम ऑफ द कॉमन वेज टू स्टे हेल्दी, ये कह रहे हैं कुछ कॉमन वेज बताइए बच्चों हेल्दी रहने के। तो यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा हेल्थ केयर के लिए, ये आपके वेज हैं ये सारे जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो पेज नंबर 76 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 76 पर इसका आंसर है, आंसर नंबर 5 मौजूद है। तो आंसर नंबर 5 देखिए, सम कॉमन स्टेप्स टू स्टे हेल्दी, यहाँ से लिखेंगे आप सम कॉमन स्टेप्स टू स्टे हेल्दी, उसके बाद हेल्दी के बाद आर, आर लिखने के बाद यहाँ तक ख़त्म, ठीक है, ये हेल्दी आर यहाँ तक लिखना है आपको पहले। सम कॉमन स्टेप्स टू स्टे हेल्दी, कहाँ से सम कॉमन स्टेप्स टू स्टे हेल्दी आर, आर के बाद लिखने के बाद आपको इसमें से कम चार पॉइंट लिख लेने हैं। तो आप पहले ये लिख लीजिएगा, उसके बाद 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 यहाँ पर लिखने के बाद कॉमा लगा के लिख लीजिएगा एक्सेट्रा, क्योंकि सारे लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर नंबर 5 हो गया बच्चों, ठीक है, आंसर नंबर 5 हो गया ये आपका, ठीक है, चारों पॉइंट लिख दिएगा यहाँ पर एक्सेट्रा लिख दिएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चों, आप एक बार दोबारा देख लिए, हमने ये क्वेश्चन आपका कराया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 73 पर, पहले यहाँ से आंसर लेना है उसके बाद बुक में लेना है। फिर हमने क्वेश्चन 2 कट करा दिया था, क्वेश्चन 3 आपको टिक कराया, फिर क्वेश्चन 4 कट करा दिया, क्वेश्चन 5 आपको टिक कराया, ठीक है। यहाँ पर आपका इस आज क्या हुआ बच्चों, आपका PA2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आप लिख दिएगा PA2 कोर्स कंप्लीटेड, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर PA2 कोर्स कंप्लीटेड, यहाँ पर अपनी बुकों पर लिख दिए सभी बच्चे। अब जल्दी से इसके सिलेबस पे आ जाइए यानी कंटेंट पे, तो कंटेंट ओपन कर लिए बच्चों और यहाँ पर सिलेबस पे देखिए, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 13 यानी पार्ट नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। तो आपके 1 2 3 4 5 जो हमने पढ़ाए चैप्टर हैं सिर्फ यही आपको पढ़ने हैं और ये हमारा आज कंप्लीट हो गया।
आपको ये कॉपी में कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स, जो कि आपका हमारा किसका होगा, वो अब आपके एनुअल के लिए होगा। हमने PA2 के लिए जो 5 चैप्टर आपको कराए हैं वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।